बीटेक इस ब्रांच से कर लो, बीटेक के लिए ये इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट रहेगा, बीटेक से ये करियर बनेगा, बीटेक में ये कर लो, बीटेक में वो कर लो। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये बातें तो आपको हर कोई बताएगा, लेकिन बीटेक में क्या नहीं करना चाहिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो 5 चीजें बताऊंगा जो आपको अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में अवॉइड करनी ही करनी है। तो अगर चैनल पर नए हो तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर समझ आ रही है और ये आपके बीटेक से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर पा रही है तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना, क्या पता ये उनके लिए भी फायदेमंद साबित हो। और हाँ, फिर भी वीडियो के एंड में मन में कोई सवाल आ जाए तो उसको कमेंट्स में बेझिझक पूछ लेना। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड। मेजॉरिटी स्टूडेंट जब 12th से बीटेक में एंटर होते हैं तो वो घर की जिंदगी से हॉस्टल लाइफ में जा रहे होते हैं, यानी घर वालों की नजरों से दूर। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस फ्रीडम का मिसयूज ना करें। ये जो फ्रीडम आपको मिला है ये आपके डिसीजन मेकिंग को डेवलप करने के लिए मिला है। तो बीटेक में कुछ चीजों को लेकर आपका डिसीजन एकदम क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला, डू नॉट रन आफ्टर मार्क्स। आपको मार्क्स सेट नहीं, करियर सेट करना है। मार्क्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका करियर डिफाइन करता है आपका स्किल सेट और ओवरऑल डेवलपमेंट। तो मार्क्स, CGPA, ये सब आपका एक क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज। आपका फोकस ओवरऑल डेवलपमेंट पे होना चाहिए, जिसमें आपके थ्योरी, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बैलेंस लर्निंग होनी चाहिए। एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक कैंपस में प्लेसमेंट के लिए जब कंपनीज आती हैं तो मेजॉरिटी का मिनिमम क्राइटेरिया एवरेज 65% के आसपास होता है, यानी इसमें 85% वाला भी बैठ सकता है और 65% वाला भी बैठ सकता है। तो इसमें आपके मार्क्स सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन के रह जाते हैं। एक्चुअल में रिक्रूटमेंट में जो आपको हेल्प करेगा वो है आपका ओवरऑल स्किल सेट, जो आपने अपने बीटेक के दौरान थ्योरी और प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग किया होगा। इसलिए मार्क्स के पीछे ना भागो, एक डिसेंट परसेंटेज और CGPA मेंटेन करके रखो, ताकि इंटरव्यू के दौरान आपके लिए एक बैरियर ना बन जाए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, दैट इज डू नॉट टेक अटेंडेंस लाइटली। अननेसेसरी क्लासेस बंक नहीं करनी है। अटेंडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है बीटेक कॉलेजेस में। आपको मिनिमम 75% ऑफ अटेंडेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, और किसी किसी कॉलेज में तो ये 85% भी होता है। अगर आप इस क्राइटेरिया को डिफॉल्ट करते हैं तो आपको हैवी फाइन पे करना पड़ेगा। कई कई बार तो ऐसी भी नौबत आ जाती है कि आपको इस सेमेस्टर एग्जाम्स में बैठने ही नहीं दिया जाता। एक्चुअल में देखा जाए तो अटेंडेंस तो एक सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी नुकसान जो आपका होता है वो होता है आपकी पढ़ाई का। रेगुलरली क्लासेस बंक करने की वजह से आपके लेक्चर्स में इनकंसिस्टेंसी आती है, जिस वजह से क्लास में जो पढ़ाए गए टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर नहीं हो पाते, और टॉपिक्स जब क्लियर नहीं हो पाते तो उससे होता है आपको कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन होने से एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है आपकी स्टडीज पर। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, द थर्ड पॉइंट इज डू नॉट बाय न्यू बुक्स इन इंजीनियरिंग। अब आप याद रखें, आप स्कूल से इंजीनियरिंग में आ चुके हैं, यहाँ अब आपका एनुअल सिलेबस नहीं रहा जहाँ पूरे साल आप उन्हीं किताबों को पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग में एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है और एक सेमेस्टर फटाफट से खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, बीटेक में कई बार एक सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करने के लिए आपको मल्टीपल बुक्स को रेफर करना पड़ता है। तो कितनी बार आप नई बुक्स खरीदेंगे और कब तक आप उनके लिए एक्स्ट्रा पे करते रहेंगे, जब आपको वही बुक्स आराम से सेकेंड हैंड मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इंजीनियरिंग में सेकेंड हैंड बुक्स ही परचेज करें। बीटेक कॉलेजेस के आसपास जरूर ऐसे सेकेंड हैंड बुक मार्केट्स आपको मिल ही जाएंगे, जहां पे आप ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग की सभी बुक्स खरीद सकते हैं, वो भी MRP से 50% डिस्काउंट पर। और एक बार सेमेस्टर खत्म होते ही आप इनको रीसेल भी कर सकते हैं, जिस रेट पे खरीदा था उसके 50% रेट पर। इस हिसाब से सेकेंड हैंड बुक्स की जो कॉस्ट है वो नई बुक्स के मुकाबले काफी कम पड़ती है, और इससे आपका काफी खर्चा बच जाता है। इसके अलावा आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी आपको इम्पोर्टेंट सॉफ्ट कॉपीज और बेस्ट बुक्स के लिए गाइड कर सकते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर में आप जा रहे हैं, वो भी घर से दूर, तो घर वाले आपको एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेके देंगे। कईयों को तो उनका पर्सनल लैपटॉप फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि आज के इस डिजिटल दौर में उनका बच्चा किसी से भी पीछे ना रहे, बिल्कुल अपडेटेड रहे। तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू शुड नॉट मिसयूज दीज गैजेट्स। ये जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स आपको बीटेक के 4 सालों के लिए दिए गए हैं, ये सिर्फ आपको मूवी देखने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए और दोस्तों के साथ रात रात भर गेम खेलने के लिए नहीं दिए गए हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, इन तीनों के कंबाइंड पोटेंशियल और पावर को समझो। अब कितना कुछ इनसे सीख सकते हैं,
YouTube है, Google है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपको जो स्किल सेट डेवलप करना है आपको उसके हजारों ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप डिजाइनिंग सीख सकते हैं, बीटेक के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी जान सकते हैं। मतलब आप क्या नहीं कर सकते हो, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। तो ये गैजेट्स आपको करियर में 10 कदम आगे भी ले जा सकते हैं और इनका मिसयूज आपकी डिग्री का क्रूशियल टाइम बर्बाद भी कर सकता है। तो आपको इन गैजेट्स को एंटरटेनमेंट और लर्निंग के लिए एक बैलेंस तरीके से ही यूज करना पड़ेगा। पूरे सेमेस्टर क्या ही पढ़ाई करनी है, लास्ट डे पूरी रात बैठकर सारा सिलेबस निपटा लेंगे, बाकी दिन लेट नाइट लैंड गेमिंग तो हो ही रही है, कोई शेड्यूल नहीं रह गया है, ना सोने का ना उठने का, स्मोकिंग, एल्कोहल, इन चीजों की भी हल्की हल्की शुरुआत होने लग गई है। अगर ये सभी सिम्टम्स आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में दिखने लग गए हैं तो आप अपने करियर का तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी हेल्थ को लेकर भी सीरियस नहीं है। इररेगुलर स्लीप, ड्रग एडिक्शन, ओवरनाइट गेमिंग, मूवीज, ये सभी चीजें आपकी हेल्थ पर एक एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं। तो मेरी एडवाइस आपसे यही है कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक बैलेंस तरीके से करें। कब कौन सी चीज एक्सेस हो रही है इतनी समझ तो आप लोग भी रखते हैं, तो बाकी अपनी जिंदगी के बारे में आप खुद बेहतर समझते हैं। ये थे मेरे सजेशंस उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करने हैं अपने बीटेक में। इसमें आपको क्या पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बीटेक से रिलेटेड अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में इन्हीं कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स पे बात करते हुए। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।